हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज हम इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर चुके हैं, वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, आप उन्हें देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर आप उन्हें करेंगे, समझ में आएगा। आई होप कि आपको समझ में 100% अच्छे समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं, उसका स्टेटमेंट पढ़िए। फाइंड द रेशो, इसमें भी रेशो निकालना है, फोर्थ में भी रेशो निकालना था। तो जब भी रेशो निकालें तो हम के रेशो वन ले लेते हैं, याद रखना, एम वन एम टू मत लेना। जहाँ लिखा है फाइंड द रेशो के रेशो वन, इन विच द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए के कोऑर्डिनेट 1, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट -4, -5 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यहाँ एक पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। फाइंड द ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवीजन। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है और उसमें रेशो भी निकालना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ए और बी पॉइंट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स 1, -5, बी -4, -5। एक पॉइंट है पी ले लिया, वो एक्स एक्सिस पे है। जब भी हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। जब कोई पॉइंट हम एक्स एक्सिस पे लेंगे तो एक्स तो होगा लेकिन वाई जीरो होगा। जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ये बातें याद करने वाली हैं, इन्हें याद कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख रहे हैं आपके लिए, यहाँ ये लिखे देते हैं, ये ब्रैकेट में बंद कर लो बॉक्स में, जब काम आएंगे तब यूज कर लेना। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या लेंगे, एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि जब एक्स एक्सिस पे चलोगे तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो, वाई एक्सिस बोला जाए तो 0, y, क्योंकि वाई एक्सिस पे चलोगे तो जीरो कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो यहाँ पर हम इसका यूज कर रहे हैं, इस वाले का, इसका अभी यूज नहीं हो रहा है। तो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पी के क्या लिए, एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। रेशो रिक्वायर्ड क्या लेते हैं, के रेशो वन, जब भी रेशो की बात करें तो एम वन के का काम करेगी, एम वन का काम के करेगी, एम टू का काम वन करेगी। एक्स वन वाई वन इसको नाम दिया, एक्स टू वाई टू यहाँ दिया। जब रिक्वायर्ड रेशो हमने क्या ले लिया, के रेशो वन यहाँ लिख दिया, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए लिखा है। फार्मूला सेक्शन फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ये सेक्शन फार्मूला है। जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करे, सेक्शन फार्मूला, रेशो निकालना है तो सेक्शन फार्मूला, यही हम यूज करेंगे। तो अब सेक्शन फार्मूला एम वन एक्स टू प्लस एम टू वाई वन, एम वन प्लस एम टू याद कर लो, ये होगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे एक्स है तो कैपिटल एक्स ए है, तो यहाँ पर हम कैपिटल एक्स है ना, तो स्मॉल एक्स ले लेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की जगह हम स्मॉल एक्स लिख दें तब भी चलेगा। एम वन एक्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, एम वन का एक्स टू से, तो k इंटू माइनस फोर प्लस एम टू वन है और एक्स वन, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे होगा, तो वन इंटू वन एम प्लस वन, एम वन के है प्लस वन एम टू, एक्स इज इक्वल टू -4k + 1 अपॉन के प्लस वन। अब यहाँ पर क्या है, k अननोन है, x अननोन है, तो इसको आप यहीं पर अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो। अब हम थोड़ा इससे बात करते हैं, यहाँ पर इससे बात कर लो। अब इसमें y कितना है, y कोऑर्डिनेट 0 तो 0 लिखो, एम वन के है, एम वन वाई टू 5 है, तो k का मल्टीप्लाई 5 से होगा, इन बिटवीन प्लस का साइन। एम टू वाई वन, एम टू वन है
और वाई वन यहाँ पर माइनस फाइव है। अब के प्लस वन, एम वन प्लस एम टू, एम वन इज के और एम टू इज वन। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लो, इसके नीचे वन ले लो, तो जीरो अपॉन वन ए फाइव के, ए माइनस का फाइव, ये के प्लस वन ब्रैकेट। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का मल्टीप्लाई के प्लस वन से होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और वन का मल्टीप्लाई फाइव के माइनस फाइव से होगा। यहाँ पर एक बार रीचेक करते हैं, एम वन बाई टू, तो के इंटू फाइव, के इंटू फाइव आ गया। एम टू बाई वन, तो वन इंटू माइनस फाइव, तो ये फाइव के माइनस फाइव मल्टीप्लाई होकर के आया। जीरो का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करो तो के प्लस वन से होगा जीरो, फाइव के माइनस फाइव, माइनस फाइव को इधर ले आओ तो पॉजिटिव, जीरो ऐड होगा तो फाइव ही रहेगा। तो फिर हमने वन का मल्टीप्लाई करेंगे फाइव के माइनस फाइव, माइनस फाइव इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो प्लस फाइव फाइव करेंगे, फाइव के फाइव का मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, नीचे आकर के डिवाइड होगा फाइव, फाइव वन जा फाइव, वन इज इक्वल टू के, तो हमारा रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगा वन रेशो वन, ये आपका रिक्वायर्ड रेशो है। एक आंसर ये आ गया। वो कह रहे हैं आल्सो फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए, तो अभी यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आई है ना के की वैल्यू वन, तो के की वैल्यू वन पुट कर दो यहाँ पर, पुट के इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू वन प्लस वन, के की जगह वन, अभी जो वैल्यू आपने निकाली थी वो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस वन टू, माइनस फोर प्लस वन करोगे तो माइनस थ्री बाई टू, तो एक्स माइनस थ्री बाई टू आ गया। तो जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट जो डिवाइड कर रहा था, वो है एक्स कॉमा जीरो, एक्स कॉमा जीरो, तो ये एक्स आ गया आपके पास माइनस थ्री बाई टू, और वाई जीरो है, वाई कितना है जीरो, तो ये आपका आंसर आ गया, पॉइंट भी आ गया, रेशो भी आ गया। एक बार हम इसको जरा रिवाइज करते हैं, पॉइंट था ए वन माइनस कॉमा वन, वन कॉमा माइनस फाइव, बी था माइनस फोर कॉमा फाइव, एक पॉइंट था एक्स एक्सिस पे, जब एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो एक्स कॉमा जीरो लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो ये दोनों याद कर लो, हमने लिख भी दिए हैं, तो पी के एक्स कॉमा जीरो होंगे क्योंकि एक्स को एक्सिस पे, तो एक्स तो होगा वाई जीरो होगा। रिक्वायर्ड रेशो जब भी पूछा जाए के रेशो वन ले लो। अब हमने सेक्शन फार्मूला लगाया, एम वन एक्स टू प्लस एम टू बाई वन, एम वन प्लस एम टू, यहाँ पर गलती नहीं हो रही है, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन आएगा, एम टू एक्स वन, यहाँ पर ये मिस्टेक है। वाई इज इक्वल टू एम वन बाई टू, एम टू बाई वन, एम वन प्लस एम टू, एम वन यहाँ था कितना के, एक्स टू माइनस फोर, तो के माइनस फोर प्लस, अब आएगा एम टू, एम टू वन है, एक्स वन वन, वन इंटू वन, नीचे के प्लस वन आएगा, एम प्लस एम वन प्लस एम टू, माइनस फोर के प्लस वन, के प्लस वन, अभी आगे नहीं बढ़ाया हमने, क्यों, इसमें के अननोन है, तो फिर हमने यहाँ पर लिया वाई, तो वाई यहाँ कितना है जीरो, जीरो लिख दिया, एम वन के, एम वन बाई टू, तो के इंटू फाइव, वाई टू फाइव है, प्लस एम टू, एम टू वन है, वाई वन माइनस फाइव, एम वन के एम टू वन, नीचे रख दिया एम वन प्लस एम टू की वैल्यू, ये जीरो अपॉन वन, फाइव के माइनस फाइव मल्टीप्लाई, के प्लस वन का मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, फाइव के माइनस फाइव, फाइव इधर आ गया पॉजिटिव, फाइव को नीचे डिवाइड करेंगे, फाइव बन जा फाइव, तो रिक्वायर्ड रेशो कितना आ गया वन, तो वन को हम क्या लिख सकते हैं वन रेशो वन। अब इस के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, के की वैल्यू वन पुट कर दी, माइनस फोर के प्लस वन, माइनस फोर प्लस वन, माइनस थ्री बाई टू, तो इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, पॉइंट क्या था एक्स एक्सिस पे, पी एक्स वाई, एक्स आ गया, वाई जीरो है, हैंस प्रूफ, हैंस आंसर ये निकल आया। तो मैं सोच रहा हूँ, जानता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, आई होप, वीडियो को देखेंगे आप, वॉच करेंगे केयरफुली, सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं सॉल्व होंगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, सिंपल वे से हमने समझाया है दो बार,
आप इस वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे, रिटर्न वर्क करेंगे, फॉर्मूला से याद होने चाहिए जुबानी वाई हार्ट, तो फिर इम्प्लीमेंट करो, लिख करके करो, 2 1 × 3 एक बार उसे समझो, 3 बार करो, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और अगर आपको ये समझ में आता है हमारा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें प्लीज़। थैंक्स गॉड।